में बढ़ती गर्मी के साथ ही महोबा जिले में पेयजल किल्लत भी बढ़ने लगी है। चरखारी तहसील क्षेत्र के ग्राम पाठा और कमलखेड़ा में भी लोग पेयजल किल्लत से जूझ रहे हैं। शुक्रवार को करीब एक सैकड़ा महिला और पुरुष पेयजल समस्या को लेकर डीएम कार्यालय पहुंचे और नारेबाजी करते हुए समस्या के निदान की मांग की है। संपूर्ण बुंदेलखंड गर्मी आते ही पेयजल समस्या से जूझने लगता है। ग्रामीण क्षेत्र और शहरों में भी पेयजल की समस्या लोगों को परेशान करने लगती है। पेयजल की समस्या से ग्रस्त ऐसे ही सैकड़ों ग्रामीण आज डीएम से मिले। दरअसल चरखारी तहसील क्षेत्र के ग्राम पाठा और कमलखेड़ा में पेयजल समस्या विकराल रूप धारण कर चुकी है। पीने की समस्या के साथ साथ नहाने और धोने के पानी के लिए भी लोग खासे परेशान हो रहे हैं। गांव में लगे ज्यादातर हैंडपंप जवाब दे चुके हैं। पानी भरने के लिए लोगों को काफी दूर जाना पड़ता है। ऐसे में अपनी फरियाद लेकर सैकड़ों महिलाएं और पुरुष डीएम के चौखट पर पहुंचे। महिलाएं हाथों में तख्तियां लेकर पानी की मांग के लिए प्रदर्शन कर रही थीं। ज्ञापन देते हुए ग्रामीणों ने डीएम से पेयजल व्यवस्था कराए जाने की मांग की है। हमारी ये व्यवस्था है कि पानी की सबसे बड़ी समस्या है। नल वगैरह है तो गाँव के बाहर है, वो भी पानी नहीं देते हैं सही से। थोड़ा बहुत देते हैं और बस चला जाता है पानी। कम से कम 2 किलोमीटर तो बाहर जाना ही पड़ता है। तो बड़ी समस्या है, पानी की सबसे बड़ी समस्या है। डीएम साहब ने ये कहा है कि अभी तो समस्या टंकी वाली हो नहीं पाएगी, 1-2 साल बाद में होगी। सुनाई हम तुम्हारी हो गई। और अभी तो ये प्रधान द्वारा कहा है कि ये जो पैसा पड़ा है पिछला, तो उसमें समरसेबल डलवा के और टोटी लगवा के आपको पानी दिया जाएगा। जब नहीं पूरा होगा तो टैंकर भी भेजे जाएंगे। टंकी लिए आए हैं और मतलब 50 महिलाएं हम आए हैं और बाकी पड़ोस आए हैं, बच्चे भी आए हैं। पानी की टंकी के साथ साथ खेतों में पानी, खेतों में पानी नहीं, हमारे पीने के लिए पानी नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है, कुछ नहीं, पीने वाली समस्या है सबसे ज्यादा। गांव के 2 किलोमीटर बाहर पानी है, वहाँ से हम लाते हैं तो वो भी 2-4 डिब्बा पानी निकलता है, उसमें से वो बाकी खराब हो जाता है, पीला पीला आने लगता है, तो बंद कर देते हैं पानी उससे लेना। कौन गांव का मामला है? पाठा का है, कहाँ पर? चरखारी ब्लॉक में पड़ता है। अच्छा, तो डीएम साहब से बात हुई, क्या कहा उन्होंने, क्या आश्वासन दिया? आश्वासन दिया है कि आप ऐसा करो, कि प्रधान जी से कहा है कि आप ऐसा करो कि जो गाँव के बाहर नल खराब पड़े हैं उसमें आप उनको सही करवाओ और उसमें समरसेबल डलवाओ। तो इससे अभी 1-2 साल का काम चले, बाकी 2 साल बाद हम आपके पानी की व्यवस्था करेंगे। डीएम सहदेव ने ग्रामीणों से शिकायती पत्र लेकर जल्द ही पेयजल व्यवस्था कराए जाने का भरोसा दिया है। गांव में पेयजल के स्थायी समाधान के अलावा तत्काल पानी की व्यवस्था कराए जाने के लिए ग्राम पंचायत बजट से हैंडपंपों में समरसेबल फिट कर पाइपों के माध्यम से पेयजल व्यवस्था कराए जाने की बात डीएम ने कही है। उन्होंने ग्राम प्रधान को भी इस ओर जल्द काम कराए जाने के निर्देश दिए हैं। देखिए, पाठा और कमलखेड़ा यहाँ के ग्राम की कुछ महिलाएं मुझसे मिली आज, तो मैं प्रधान भी उनके साथ में आया था। मैंने प्रधान जी से कहा, उनके खाते में चतुर्थ वित्त आयोग, चौथाई वित्त आयोग को पर्याप्त धनराशि 18-20 लाख के आसपास पड़ी हुई है। तो जैसे मैंने अन्य गांव में ये शुरू किया था कि ग्रामीण स्वपेयजल योजना, यानी उनके गांव में जो इंडिया मार्का हैं जिनमें पर्याप्त पानी आ रहा है, मीठा पानी आ रहा है, उनमें समरसेबल पंप डलवा दें, बिजली का कनेक्शन हो जाए और एक पेडेस्टल बनाते हुए 2000 लीटर की प्लास्टिक की टंकी रखवा दें। इसी के साथ में आवश्यकता अनुसार 500-600 मीटर जितनी आवश्यकता पड़ती है उसमें प्लास्टिक की, या जहां पर सीसी रोड बन जाए वहां पर जीआई पाइप डलवाते हुए 15-20 टूटियाँ लगवा दें, तो उस मोहल्ले वाइज सबको जो है पानी की दिक्कत दूर हो जाएगी, सबको पानी मिलना शुरू हो जाएगा। तो वो हमने इधर बम्हारी गोसाई में शुरू किया है, अन्य जगहों किया है, तो सबसे नज़दीक स्थान ये था। मैंने प्रधान जी को भेजा है कि उसको देख लीजिए और आज से इसको शुरू कर दें, परसों हमको देखेंगे उन्होंने कितना इसमें काम किया है। तो 1 सप्ताह में वो पानी की समस्या दूर हो जाएगी। जो दीर्घकालीन योजना है उसके लिए हम जो चंडीगढ़ के अधिकारी हैं, इंजीनियर हैं, उनको साथ लेकर जाएंगे, उसके हम DPR भी तैयार करेंगे और देखेंगे कहाँ से पानी की व्यवस्था दीर्घकालीन योजना में मिल सकता है, उसको अलग से तैयार कराएंगे। लेकिन तात्कालिक जो है ये विदिन वीक जो है उनको पानी मिलना शुरू हो जाएगा। न्यूज़ BK के लिए महोबा से राजकुमार सिंह की रिपोर्ट।